देखें जी, इसके आगे जो है ना हमारी हदूद ख़त्म हो जाती है। खबरदार, इख्तिताम हदूद पाकिस्तान। ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इससे आगे कहते हैं कि जी इंडिया का जो ना एरिया शुरू हो जाता है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज संडे था तो मैं अपने कज़न के साथ निकला हुआ था बाहर, तो सोचा व्लॉग करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी रावी दरिया पे आया हुआ था। ठीक है, तो पिछले व्लॉग में आप देख सकते हैं मैंने व्लॉग रावी दरिया का किया है, साथ में जो है इंडिया की चेक पोस्ट भी दिखाई है। तो अभी मैं इसके पास ही सांझा पीर दरबार है, जो कि आधा इंडिया में, तकरीबन कह लें कि इंडिया में है और थोड़ा सा जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, वो बिल्कुल इंडिया की जो सरहद है ना, ज़ीरो लाइन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर है। कोशिश करते हैं कि आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज मेला लगा हुआ है तो मेले में वीडियो बना सकते हैं, वैसे वो वीडियो की इजाज़त नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको वो दिखाएंगे। इंडिया का जो फसलें वगैरह भी वहाँ पे हैं, लोग जो इधर पाकिस्तान में आके उनकी जो फसलें हैं वो वहाँ पे काटते हैं अपने फौजी वगैरह ला के, तो अगर आए हुए तो वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, वहाँ का सारा सीन आपको दिखाते हैं। तो आपने साथ हैं, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो वो आपको मिल सके। तो भाई चलते हैं, आपको इंडिया का सबसे नज़दीक, मतलब इससे नज़दीक जो है ना बॉर्डर की जो फैंसी वगैरह वो नहीं, नज़र कहीं से भी नहीं आती। और वो जो हम जाएंगे वहाँ पे, वो इंडिया की हदूद जो आखिरी हदूद है वो उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, और आपको साथ में दिखाएंगे कि जो इंडिया के एरिया है। ठीक है, और वो जो दरबार था वो पार्टीशन से पहले का था, तो वो जब पार्टीशन हुई तो वो थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान में रह गया, बाकी जो वो इंडिया में रह गया। और जब मोदी की हुकूमत थी उससे पहले जो इंडिया के लोग थे वो आते थे वहाँ पर, तो आजकल जो है ना वो जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से जो है ना इंडिया के लोग तो नहीं आते वहाँ पर, सख्ती ज़्यादा हो गई है। हत्ता कि जो बॉर्डर पे वो जो सोल्जर थे BSF के, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो पहले हिंदू सॉरी सिख होते थे। तो मोदी के आने के बाद जो उन्होंने वो सारे सिख वहाँ से हटा के उसको जो है हिंदू फौजी वो वहाँ पे खड़े किए, ताकि वो ज़्यादा यहाँ पे जो आ जा ना सके। तो पहले कुछ मामला थोड़ी नरमी थी, हालात और थे, अभी कुछ हालात और हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको दिखाते हैं वहाँ पे जो है ना दरबार, और साथ में जो इंडिया की वो जो ज़ीरो लाइन है और फैंसी वगैरह है वो भी आपको दिखाते हैं। शाह का मज़ार है, ये अंदरूनी हिस्सा है, और इस वक्त जो मैं ना मज़ार के अंदर खड़ा हूँ, और ये जो मज़ार की दीवार है पीछे उसके साथ ये खाली जगह है ना, ये सारी इंडिया की, ये जो फसलें हैं और ये सारी इंडिया की, और पीछे ये बाड़ देख रहे हैं फैंसी लगी हुई है, और ये सामने जो दरख्त हैं ये इंडिया में, और ये इनकी हेयर वाशर खड़ी हुई है। तो ये सारा एरिया उनकी जो फैंसी से इधर वाला एरिया ना, ये वाला, ये इंडिया की। तो जब वो इंडिया वाले आते हैं ना सिख यहाँ पे कटिंग करने के लिए, तो फौजियों को साथ लेके आते हैं। ये जो कच्ची मिट्टी है ना, ये इंडिया की है, दूध है, तो ये ऐसे ताज़ी रहती है, ताकि कोई यहाँ भी आया जाए तो उनको पता चलेगा। अब सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ाम आते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी, रेंजर की तरफ से, यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये सारी हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, और ये देखेंगे खड़ी हार्वेस्टर, ये ट्रैक्टर चल रहा है, और साथ में ये इंडियन सिख जो है यहाँ पे कटिंग कर रहा है फैंसी के साथ। ये देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है। मैं मज़ार के बाहर वाले अहाते में खड़ा हूँ, तो इस मज़ार की ये जो दीवार है ना, ये बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे है, मतलब इससे आगे सारा इंडिया है। और सामने ट्रैक्टर चल रहा है, और ये हार्वेस्टर है, और ये जो चावल की फसल है ये
इंडिया वालों की है, और उनकी फैंसी तकरीबन आधा किलोमीटर आगे लगी हुई है, और फैंसी से इस तरफ पाकिस्तान वाली साइड पे इनकी जो फसलें हैं वो काश्त हुई हुई हैं। तो फैंसी उनकी आधा किलोमीटर पीछे है, और उससे पीछे पाकिस्तान वाली साइड पे ओपन एरिया है। तो सिक्योरिटी वो बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, इंडिया वालों की भी पाकिस्तान वालों की भी। तो इन्होंने अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हुए हैं। तो इंडियन जब लोग आते हैं काश्त करने के लिए, तो आर्मी सोल्जर जो है वो यहाँ पे साथ लेके आते हैं। तो ये सबसे क्लोज़ बॉर्डर का एरिया मैंने आपको दिखाया है, इससे क्लोज़ कोई जगह नहीं है। तो होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जजाकल्ला।